आपके घर में है इतने अच्छे बच्चे, पूरा बिस्तर बटोर दिया है, उसके बाद लेटा आराम से। तुम्हें कह रहे हैं बाय। क्या हो रहा है अभी? बाप लीजा बेटा, लीजा सो, लीजा बंदर 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 बंदर, लीजा बंदर सो सो सो। तुम कहाँ टहले हो जी? एक के साथ दो तीन फ्री हैं अभी। यहाँ लीजा, ये है दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप। यहाँ पर मैं बना रही थी सूजी का चिल्ला। यहाँ पर सूजी और दही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसमें मैंने प्याज और जो है टमाटर ऐड किया है, क्योंकि और हरी सब्जी कोई मेरे पास थी नहीं। अगर आपके पास बहुत सारी हरी सब्जियाँ हैं तो आप सारा कुछ डाल के बना सकती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पर आज के नाश्ते में है सूजी का चिल्ला, सिर्फ और सिर्फ अभी पतिदेव और चाचा जी के लिए, क्योंकि मेरा मन भर गया है सूजी का चिल्ला खा खा कर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब तक बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारे धनिया पत्ते नहीं होते ना, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, तो मुझे नहीं इतना ज़्यादा पसंद है। बस इनके लिए और इनके पापा जी के लिए मैं फटाफट बनाऊँगी। तो अभी मॉर्निंग का काम मेरा शुरू है, अभी सारा काम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज मैंने अभी ना तो नहाया है ना ही पूजा पाठ किया है, क्योंकि पतिदेव को थोड़ा जल्दी जाना था, तो हमने कहा उनका पहले नाश्ता वास्ता रेडी कर देते हैं, उसके बाद फिर मेरा काम जो है होता रहेगा। यहाँ पर फटाफट इनके लिए मैंने यही मुझे आसान लगा और मैंने कहा चलो यही बना देते हैं। तो बस यहाँ पर बन चुका है सूजी का सादा सिंपल सा चिल्ला, जो कि मेरे घर में सबका फेवरेट है, सब लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने बना दिया है। चाचा जी से पूछा, उन्होंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा, तो सब्जी रोटी अभी जब पूरा खाना बन जाएगा फिर वो खा के जाएंगे, क्योंकि बृहस्पतिवार को वो थोड़ा सा लेट जाते हैं और आज है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर फिर मेरा चिल्ला बन गया, मैंने फिर फटाफट किचन का काम ख़त्म किया, जो कि नाश्ता वास्ता वाले बर्तन थे और एक दो चिल्ला जो था वो कड़ा, पति देखो ना थोड़ा सा कड़ा चिल्ला हो या रोटी हो, थोड़ा सा कड़क खाना पसंद है, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया, उस पर एक मोटा सा चिल्ला बना के डाल दिया है। और जब तक मैं ये सारा काम करूँगी ना, तब तक वो थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, और बीच बीच में मैं उसको अलट पलट के भी रख रही हूँ, साथ में मैंने दूध भी रखा है बॉयल करने के लिए। तो एक साथ बहुत सारे काम करती हूँ तभी मेरा काम जाके ख़त्म हो पाता है। तो जब तक इनका चिल्ला बनेगा तब तक मेरा बर्तन धुल जाएगा, किचन साफ़ हो जाएगा, और झाड़ू पोछा मैंने किया ही है, लेकिन नाश्ता वास्ता करने के बाद ना फिर से एक बार झाड़ू पोछा ना लगाओ ना तो घर गंदा लगता है, तो फिर से एक बार झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, पोछा तो मैं बार बार नहीं लगाती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा काम होता है, और नाश्ता और क्लीनिंग साथ में मेरी चलती रहती है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, और ये कल की ही वीडियो है, क्योंकि कल हम लोग छत पर गए थे, वहाँ से आए फिर थक गए थे बहुत ज़्यादा, फिर हम लोग सो गए थे, हम और अभी सो गए थे, पतिदेव अपना हॉस्पिटल चले गए थे, उसके बाद फिर आए थे, तो खाना पीना खा के सो गए होंगे, क्योंकि हम लोग फिर दोबारा उठे ही नहीं, फिर मॉर्निंग में ही उठे। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और थोड़ी बहुत वीडियो अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।